देख सकते हैं ये पेड़ कैसे बीच में फटा हुआ, जो कि यहाँ पर जंगलों में होती है, तो इसे हम तोड़ देते। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारे साथ जितने भी बंदर आए हुए हैं वो इन स्ट्रॉबेरियों को खा रहे हैं। गाइस स्ट्रॉबेरी देखो, भूखे बंदर कैसे खाते हैं, ऐसे खाते हैं इन्हें। देख सकते हैं अब इन्होंने थोड़ी थोड़ी निकाली है, तो ये बंदर भी बताएंगे कि इन्हें खाते कैसे है। तो चलो गाइस, बारिश लग चुकी है गाइस, बीचों बीच निकले हैं, देख सकते हैं बहुत ही खूब। और इतना बड़ा पेड़ जो यहाँ पर गिरे हुए देख सकते हैं आप। ये दोस्तों चेमू वाले भूखे भूखे बंदे देख सकते हैं, ये चेमू की फसल को काट रहे हैं। इनमें झागड़ी भी होती है गाइस। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज आप सभी कैसे हैं? आज का देख सकते हैं आप आज का ब्लॉग। आज है हम जंगल में, तो आज हम जंगल में कुछ लाने जा रहे हैं जिसे कि हमारी पहाड़ी भाषा में चेमू बोलते हैं। तो इसकी सब्जी भी बनाई जाती है और इसके देसी सीडू भी बनाए जाते हैं चेमू के। ये आमतौर पर जंगलों में ही पाई जाती है। और मेरे साथ गाइस देख सकते हैं दो ये भूखे बंदे भी चले हैं, द्राटी पाके देख सकते हैं, द्राटी द्रूटी लेके। इसे कहते हैं चेमू। ये है चेमू जो थोड़े से मिले अभी, आगे जाके दिखाते हैं और चेमू कितने के मिलते हैं हमें। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। पीछे का व्यू देख सकते हैं, ये हमारे पीछे जो आपको गांव दिख रहा है, ये अंदरली मलाह गांव है। तो हम आज अंदरली मलाह और अपने गांव की बाउंड्री में आए हुए हैं जहाँ की ये चेमू मिलते हैं। और ये अखरोट का पेड़ देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा है। तो आगे दिखाते हैं आपको जहाँ चेमू मिलते हैं तो किस तरह से लगे होते हैं। अखरोट का भोगरा क्या बोलते हैं? जो अखरोट पिछले साल गिरा था, हाँ। जो कि अब अंदर है कुछ नहीं इसमें, लेकिन नाम के लिए अखरोट है, देख सकते हैं आप यहाँ से फटा हुआ है, देख सकते हैं कीड़े ने खा लिया। देख सकते हैं ये पेड़ कैसे बीच में फटा हुआ, दो हिस्से नीचे से, ऊपर देखेंगे तो आप बहुत बड़ा पेड़ है, देख सकते हैं बहुत ही बड़ा। बीच में ये आग लगी हुई थी जैसा कि नीचे दिख रहा है, तो ये बीच में दो तने बन गए हैं। ये फ्रेंड यहाँ की लोकल मिनी स्ट्रॉबेरी जो कि यहाँ पर जंगलों में होती है, तो इसे हम तोड़ देते। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारे साथ जितने भी बंदर आए हुए हैं वो इन स्ट्रॉबेरियों को खा रहे हैं, देख सकते हैं आप बहुत ही जबरदस्त। ये गाइस स्ट्रॉबेरी देखो, भूखे बंदर कैसे खाते हैं, ऐसे खाते हैं इन्हें। देख सकते हैं अब इन्होंने थोड़ी थोड़ी निकाली है, तो ये बंदर भी बताएंगे कि इन्हें खाते कैसे है। खाने का तरीका देखो गाइस, ये हम देशी भाषा में इसे फाका पाना बोलते हैं। हाँ गाइस, बस गाइस हम लोग लड़के फूल बोलते हैं, जिसे हम पुतनी कहते हैं। ये इन बड़े बड़े वृक्षों में लगी हुई होती है। हाँ। ये गाइस तलियाने के फल लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप, ये लगे हुए हैं तलियाने जिसमें कि देशी मशरूम, हम उसे कि अपनी भाषा में बोले तो क्या कहते हैं, यहाँ लगते हैं। अगर लगे हुए होंगे तो आगे आगे हम बताएंगे। यहाँ देख सकते हैं द्राटी के लिए लड़ाई हो रही है, देख सकते हैं हमारे यहाँ पर
लिंगड़ भी काफी ज्यादा लगी हुई है, देख सकते हैं खूबसूरत खूबसूरत लिंग। इसका अचार बनाने के लिए लिंगड़ी लिंगड़ फ्रेंड, लिंगड़ी लिंग। गाइस चेमू में ये नागड़ होती है, देख सकते हैं आप नागड़ बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही। तो फ्रेंड खाने के लिए जो चेमू होते हैं ऐसे होते हैं, वो दो ये लंबे 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 देख सकते हैं आप लंबे लंबे पत्ते हैं, और ये एक गोल पत्ता, इसे ही खाएंगे आप। स्टार्ट कर दो गाइस, देखो इसमें दो पत्ते तिरछे होते हैं और एक पत्ता गोल होता है, इसे खाते हैं, बाकी को नहीं खाते, बाकी को जागड़ी कहते हैं। इसे खाने से आपके पेट भी खराब हो सकते हैं, हाँ, और जलन भी हो सकती है। लिंगड़ी लिंगड़ गाइस, हम शपा शप लिंगड़ भी ले लेते हैं, देख सकते हैं आप। चेमू के साथ साथ दो सब्जियां, लिंगड़ का अचार भी बन जाएगा, देख सकते हैं चेमू 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 दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे चेमू हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत व्यू। और यहाँ बंदे आ रहे हैं चेमू लेके, अपनी भाषा में कीड़ा कहते हैं, देख सकते हैं। फ्यू मिनट लेट, देख सकते हैं अभी अभी हमने पचड़ पचड़ करके इतनी लिंगड़ ले आया हूँ मैं, देख सकते हैं, और साथ में चेमू। ये नागण नहीं काटनी है आप लोगों ने, अगली बार इस नागण का तेल होगा। इन्हें नागिना रहा बिया, एक कैमरा मैन लोड़ी कैमरा मैन तो अर्धा गा ही है। बड़े ध्यान से काटना पड़ रहा है गाइस, देख सकते हैं आप, ताकि नागण ना कटे, नहीं तो कटी तो फ्रेंड ये दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी, उस नागिन की आंखों में फोटो आ जाएगा आपका, किसी से काटी है गाइस। देखो यहाँ पर बहुत सारी नागिने हैं। हाय वो लिंगड़ भी सक बाली की नहीं नहीं बेचनी नहीं थी है, हाँ सीधा एड बोल खत्म हुई आई था लिंगड़। बड़ बढ़िया अच्छा व्यू लग रहे हैं धारा, देख सकते हम झटा झट काटते हैं जैसे कि घाल ऊन रहे हो, बड़े भारी ट्रक ट्रक से होते काटने को है। और गाइस जागड़ी भी लग रही है हाथ में, बड़े ध्यान से काटना पड़ते हैं। गाइस यहाँ पर नागिने भी मिल सकती हैं, तो केयरफुली, हाँ थोड़े रंगे जीरे शब्द पा के ना तो रुको जरा सबर करो हाँ गाइस हम भी प्लस टू पास है, कोई ट्यूशन लेने के लिए आ सकते हैं। गाइस चेमू खत्म हो गए हैं यहाँ पर, दोस्तों देख सकते हैं कि लकड़ी के बीचों बीच निकले हैं, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, और इतना बड़ा पेड़ जो यहाँ पर गिरे हुए देख सकते हैं आप, बहुत ही बड़े बड़े पेड़।
देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने बहुत सारे चमू निकाल दिए हैं, देख सकते हैं। और सामने का व्यू कुछ इस तरह से है, बहुत बड़ा पेड़ पड़ा हुआ है, देख सकते हैं बहुत टाइम पहले से। और यहाँ से नीचे उतरेंगे अभी हम, तो चलिए बताते हैं हम नीचे का क्यों लोगों ने कितने लाए हैं। देख सकते हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा लाए हैं, ये देख सकते हैं। चलो गाइज, ये है गाइज, ये मजदूर लाया है हमने अपने साथ। बारिश लग चुकी है गाइज, पर बारिश अभी कम है। जो अभी गोभी का सीजन चला है उनके लिए तो अच्छी है ये बारिश, ताकि उन्हें बाद में पानी देना ना पड़े गोभी के लिए। लेटर हम आपको गोभी के खेत में मिलेंगे। बोले राजा महाराजाओं की कुर्सियों के बीच विरासत में मेरा है ये सिंहासन, बोलते है कोई रहा नहीं पूछे गाइस, ये अंदर का है, देखो इन्होंने नीचे से उखाड़ के लाए हैं, बहुत ही गंदी बात है ये, काट के लाए होते तो ये नीचे बच जाता। गाइस हम दराटी भूल गए थे, और देखिए यहाँ पर है, हमारे पास है गाइस, नहीं बताएंगे हम। गाइस यहाँ पर है राजा महाराजाओं की कुर्सी, बिछगा और गौर तो बिछे बोले बेचता क्यों नहीं, मैं तो कितने फेमस हूँ ना कि खानदानी कुर्सी आप दिन तक।